Hello guys, this is Vandila. Welcome to exam time. Today we are going to learning about the steps for JPEG compression technique. मतलब इस वीडियो में हम JPEG algorithm के बारे में बात करेंगे with a block diagram. Okay? तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ JPEG की डेफिनेशंस डिस्कस किया और एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड JPEG इतना क्यों यूज़ हो रहा है आजकल उसके बारे में डिस्कस किया, राइट? तो इस वीडियो में हम सिर्फ JPEG एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. हाँ, सो अगर आपको JPEG के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. हाँ, सो आज के वीडियो में हम JPEG एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे विद द ब्लॉक डायग्राम. तो JPEG कंप्रेशंस के लिए कौन सी स्टेप होता है वो आज हम देखते हैं. तो JPEG कंप्रेशन एल्गोरिथम में 5 स्टेप होता है, ठीक है? 5 स्टेप JPEG कंप्रेशन एल्गोरिथम में 5 स्टेप होता है. और वो है क्या? RGB, कलर, स्पेस, 2, वाइट, CVCR, कलर, स्पेस, कॉन्वर्शन. ओके, सेकेंड इज वॉट? सेकेंड इज प्री प्रोसेसिंग फॉर DCT ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड इज वॉट? थर्ड इज DCT ट्रांसफॉर्मेशन. And fourth is quantization. And fifth is, last one is lossless encoding. Okay? ये 5 स्टेप होता है JPEG एल्गोरिथम में कंप्रेशंस के लिए. और JPEG हम जानते हैं कि ये सिर्फ इमेज, ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, एक पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है? सो JPEG एल्गोरिथम सिर्फ इमेज को कंप्रेस करने के लिए होता है. ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब मीडियाज के लिए नहीं होता. JPEG सिर्फ इमेज के लिए होता है. क्लियर? इतने तक क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट इज RGB, कलर, स्पेस, 2, YCVCR, कलर, स्पेस, राइट? तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में क्या क्या काम करना पड़ता है, देखिए इस स्टेप में क्या होता है. मान लो कि ये एक इमेज है, ठीक है? मान लो कि ये एक इमेज है, फ्लावर की इमेज. ओके, फ्लावर्स की इमेज. हाँ, तो ये जो इमेज है ये RGB कलर स्पेस में है. ये जो इमेज है ये RGB कलर स्पेस में है, RGB कलर स्पेस, ठीक है? सो ये इमेज जो है ये RGB कलर स्पेस से बना हुआ है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो RGB कलर स्पेस में बना हुआ है ये इमेज, ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होके YCVCR कलर स्पेस में आ जाएगा, ठीक है? ये इमेज फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको विजिबल है ना, एक इमेज है, जो इमेज RGB कलर स्पेस में है वो कन्वर्ट होके YCVCR कलर स्पेस में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक कन्वर्शन होता है RGB कलर, एक इमेज का RGB कलर स्पेस से YCVCR कलर स्पेस तक, ठीक है? कन्वर्शन होता है यह, ठीक है? तो और एक बार मैं रिपीट करती हूँ, जो इमेज था यहाँ पर वो RGB कलर स्पेस में था, उसका एक कन्वर्शन हुआ, उस वो कन्वर्ट होके वो इमेज YCVCR कलर स्पेस में आ गया, ठीक है? और यहाँ पर Y इज फॉर व्हाट? यहाँ पर Y इज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज,
brightness of the image. ठीक है, और CB मतलब क्या है? It is the blue difference relative to the green color. Blue different relative to the green color. Okay. And CR मतलब क्या? It is the rate difference relative to the red color. Rate difference relative to the red color. So why CV CR color में why जो है वो brightness of the image है, CV जो है CV is a blue color difference relative to the green color and CR is the red color difference relative to the red color. Okay, so first step is clear. Second step is what? Second step is pre-processing for DCT transformation. Pre-processing for black color में लिखना था मुझे DCT transformation. ठीक है, सेकेंड स्टेप है ये. हाँ, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग फॉर डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन. डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि इसके डीसीटी के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो प्रीवियस वीडियो में बता दिया. ठीक है, सो अगर आपको डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो जाके वो वीडियो प्लीज़ मेरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में डीसीटी की जो स्टेप है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि डीसीडी के लिए मैंने अलग सा वीडियो बना दिया और उस वीडियो में मैंने डीसीडी की बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया. ठीक है, कि डीसीडी क्या है. अच्छा, डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए उसके लिए कुछ प्री प्रोसेसिंग हमें काम करना होगा. जेपेग एल्गोरिथम में कुछ प्री प्रोसेसिंग काम होता है डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए, और वो है क्या? अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि डीसीटी मतलब क्या है. डीसीटी मतलब डीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, डीसीटी कोसाइन ट्रांसफॉर्म. हाँ, सो डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपको पता ही होगा क्योंकि इसके बारे में मैंने बोल दिया ऑलरेडी डीसीटी की जो ट्यूटोरियल था. सो डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ मतलब जेपेग एल्गोरिथम में कुछ प्री प्रोसेसिंग काम होता है, और वो है क्या? वो है, यहाँ पे मुझे एक इमेज लेना है. यहाँ पे मुझे क्या लेना है? एक इमेज लेना है, और ये इमेज कोई कलर इमेज नहीं है, ग्रे स्केल टाइप का इमेज लेना है. ठीक है, ग्रे स्केल टाइप की इमेज लेना है. ग्रे स्केल टाइप की इमेज मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप की इमेज लेना है, मतलब शेड जैसे ग्रे शेड जो होता है ना इमेज पर ब्लैक एंड वाइट सा, उस तरह की एक इमेज लेना है. ठीक है, और उस तरह की इमेज लेने के बाद मुझे क्या करना है? इस इमेज को मुझे सेपरेट करना है. इस इमेज को मुझे सेपरेट करना है इस तरह से 8x8 पिक्सल से. ठीक है, सो फर्स्ट एन इमेज नीड टू अ सेपरेट फॉर 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स. ठीक है, सो मुझे फर्स्ट एक ग्रे स्केल टाइप की एक इमेज लेना है, फिर उसको 8x8 पिक्सल ब्लॉक से सेपरेट करना है. ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया, लेकिन ये तो 8x8 पिक्सल नहीं लग रहा है मुझे. सो ये आपको दिखाने के लिए एग्जांपल. ठीक है, सो फर्स्ट एक ग्रे स्केल टाइप का इमेज लेना है और उसको 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स में सेपरेट करना है ऐसा. ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने एक ग्रे स्केल होल पिक्चर को 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स में सेपरेट किया, इसका मतलब क्या है? ईच ब्लॉक्स हैव 8x8 पिक्सल. ईच ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है ना, ये अलग सा एक ब्लॉक है. तो ईच ब्लॉक हैज 8x8 पिक्सल, है ना, मतलब एक ब्लॉक में 64 पिक्सल है.
एक एक ब्लॉक 64 पिक्सल कैरी करता है। क्लियर? अच्छा मान लो कि इस इमेज में डिमेंशन कितना है, 240 × 320, ठीक है, ये इस पिक्चर का डिमेंशन है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ द ऑफ दिस पिक्चर इज 240 × 320। सो इस पिक्चर में कितना पिक्सल, टोटल पिक्सल है इतना, 240 × 320 = इतना पिक्सल है, टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल इज दिस। ओके, अब क्या है, अब एक एक ब्लॉक में कितना पिक्सल है, 64, होल पिक्चर्स में कितना पिक्सल है, इतना, ठीक है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल को डिवाइड करूँ 64 से, क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक में 64 पिक्सल है और टोटल इमेज में कितना पिक्सल है, इतना, ठीक है। अगर मैं 64 से इसको डिवाइड करूँ तो मुझे मिलता है ये, और ये है क्या, टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ दिस इमेज, टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक ऑफ दिस इमेज, ठीक है ना। इतने तक क्लियर हुआ आपको? तो मुझे इस पिक्चर की पूरी मतलब इस पिक्चर में कितना ब्लॉक है मुझे पता चल जाएगा, है ना। सो डीसीडी अप्लाई करने से पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे कितना इस पिक्चर में कितना टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक्स है, कितना पिक्सल है, सब यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा और इमेज को पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 8 × 8 ब्लॉक्स में सेपरेट करना पड़ेगा एक इमेज को, ठीक है, यही मेन बात है। डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन। और डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है गाइस, आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल दिया। यहाँ पर देखिए, डीसीडी इज द स्टेप टू ट्रांसफॉर्म ईच ब्लॉक फ्रॉम स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन, जो डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक ब्लॉक में डेटाज है, तो ईच ब्लॉक्स ऑफ द डेटा ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम स्पेशल डोमेन तक फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओके, स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन तक, ठीक है। सो ये एक एक ब्लॉक, इमेज की एक एक ब्लॉक ट्रांसफर करता है स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन तक, यही डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन की मेन काम है, ठीक है। एंड डीसीडी इज अ यूज लॉसी इमेज कंप्रेशन बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंप्रेशन। ये एक लॉसी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये लॉसी कंप्रेशन है, टेक्निक है। लॉसी कंप्रेशन टेक्निक मतलब बहुत ही अच्छी तरह से कंप्रेस्ड होता है, लेकिन उसमें से कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। और इससे मेरा फाइल साइज जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन मेरा जो क्वालिटी होता है फाइल का वो कुछ कम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ वर्क बाय द सेपरेटिंग इमेजेस इन पार्ट्स ऑफ द डिफरिंग फ्रिक्वेंसीज, ओके। सो ये वर्क करता है इमेज को सेपरेट करने से। मैंने तो बोल दिया कि डीसीडी अप्लाई करने से आगे इमेज को मुझे सेपरेट करना है 8 × 8 पिक्सल ब्लॉक्स में, ठीक है, वही बोल रहा है ये। ड्यूरिंग अ स्टेप कॉल क्वांटाइजेशन वेट पार्ट्स टू कंप्रेशन एक्चुअली ऑकर देन द लेस इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसीज आर डिस्कार्डेड, सो दैट इज वाई दिस इज टर्म लॉसी। अच्छा, एक पिक्चर में, अगर इस पिक्चर में इसका तो प्री प्रोसेसिंग काम हो गया, ओके, डीसीडी के आगे जो प्री प्रोसेसिंग काम होता है वो सब हो गया। तो अगर इस पिक्चर में मैं डीसीडी अप्लाई करूँ तो क्या होगा, इस पिक्चर में जो लेस इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसीज है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई डीसीडी कॉल द लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। हाँ, अच्छा, तो इफ वी कन्वर्टेड एन इमेज टू इट्स डीसीडी इट कुड रिमूव हायर फ्रिक्वेंसी टू द जीरो, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं डीसीडी अप्लाई किया
तो यहाँ पर जो लेस इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसीज होगा वो क्या होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि इमेज की जो फाइल साइज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है स्लोली, है ना। सो डीसीडी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीसीडी के लिए फर्स्ट मुझे एक इमेज को फेच करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी उस इमेज को 18x8 पिक्सल मैं 18x8 पिक्सल ब्लॉक से सेपरेट करूँगी, और एंड टोटल नंबर ऑफ द ब्लॉक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, एक ब्लॉक का जो पिक्सल नंबर है उससे टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल, उस इमेज के टोटल नंबर ऑफ पिक्सल डिवाइड करूँगी, ठीक है। एंड डीसीडी अप्लाई करूँगी फिर, एक एक ब्लॉक में डीसीडी अप्लाई करूँगी, डीसीडी हो गया। अब और हाँ एक चीज़, यहाँ पे आप जो लिखोगे यही पॉइंट लिखोगे कि डीसीडी कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेज इज ब्रोकन इनटू 18x8 पिक्सल ब्लॉक, जैसे कि मैंने दिखाया, वॉकिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम द डीसीडी इज अप्लाइड टू ईच, मतलब सेपरेट करने के बाद क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट काम करता है, डीसीडी काम करता है, ठीक है। तब फिर हम डीसीडी अप्लाई करते हैं, ईच ब्लॉक कंप्रेस थ्रू द क्वांटाइजेशन, फिर क्या होता है, एक एक ब्लॉक क्वांटाइजेशन के थ्रू कंप्रेस्ड होता है। क्वांटाइजेशन क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बनाया है। द एरिया ऑफ द कंप्रेस ब्लॉक दैट कंस्टिट्यूएंट द इमेज इज स्टोर इन द ड्रास्टिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द स्पेस एंड वेन डिजायर्ड द इमेज इज रिकॉन्स्ट्रक्टेड, मतलब डीसीडी अप्लाई करने के बाद क्वांटाइजेशन होता है, और क्वांटाइजेशन के बाद क्या होता है, वो फाइल साइज जो होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। अगर हम चाहते कि उस कंप्रेस फाइल से ओरिजिनल फाइल में बैक करें, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आई डी सी टी मतलब इनवर्स डिस्क्रीट कोशन ट्रांसफॉर्म प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद क्या होता है, डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, इसके बाद क्या आएगा क्वांटाइजेशन आएगा, ठीक है, क्वांटाइजेशन। और हाँ, डीसीडी की जो इक्वेशन है, डीसीडी की इक्वेशन भी आपको आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो इसका जो इक्वेशन है कुछ ऐसा है। हाँ, एन मतलब यहाँ पर जो कैपिटल एन है वो साइज ऑफ द ब्लॉक्स है, एंड पी मतलब मैट्रिक्स, पी इज द मैट्रिक्स, एंड एक्स वाई मतलब पी ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ द इमेज, एंड आई जे मतलब इज द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल, आई मतलब रो एंड जे मतलब कलर, ओके। सो अब क्वांटाइजेशन इसके मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने पिक्सल में एक एक ब्लॉक में डीसीडी अप्लाई किया, फिर एक एक ब्लॉक में क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं हम एक एक ब्लॉक में, तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ की जो पिक्सल की जो एक एक ब्लॉक का जो वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू क्लोजर टू ज़ीरो, ओके, क्वांटाइजेशन में ये होता है। तो क्वांटाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम एक एक आफ्टर द डीसीडी ट्रांसफॉर्मेशन हम एक एक ब्लॉक में क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं, और क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये एक एक ब्लॉक का जो पिक्सल वैल्यू है वो क्लोजर टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब क्वांटाइजेशन के बाद वो मतलब बहुत ही कॉम्प्रेशन जो होता है वो उसका काम और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद आता है लॉसलेस इनकोडिंग, ठीक है। लॉसलेस इनकोडिंग की मतलब क्या है गाइस, लॉसलेस इनकोडिंग की मतलब है कि यहाँ पे ना ये फाइनल स्टेप है, ये एकदम फाइनल स्टेप। हाँ, तो लॉसलेस इनकोडिंग में क्या होता है, क्या यहाँ पे हाफ मैन इनकोडिंग प्रोसेस अप्लाई होता है, रैंडम इनकोडिंग प्रोसेस अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये लॉसलेस इनकोडिंग है, तो यहाँ पे हाफ मैन भी अप्लाई हो सकता है, रैंडम भी अप्लाई हो सकता है, तो ये जो है ये लॉसलेस है, मतलब कंप्रेस्ड हो जाता है बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन मेरा फाइल में जो इंफॉर्मेशन है वो कोई भी लॉस नहीं होता, वो कोई भी रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है। एंड इसके बाद जो होता है, मेरा फाइल से 70-80% कंप्रेस्ड हो जाता है फाइनली, एंड ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता मेमोरी में, ठीक है, मतलब फाइल का जो लार्ज अमाउंट है वो रिड्यूस कर देता है ये। हाँ,
तो इसके बाद मेरा जो इमेज फाइल साइज है वो पूरी तरह से कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो जेपेग एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है। और इसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम्स देखेंगे। तो अब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे अब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे जेपेग एल्गोरिदम का। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मेरे नोट पे आपको सब मिल जाएगी, इस पॉइंट की सभी कैसे आपको एग्जाम में लिखना है सब मिल जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में तो आरजीबी कलर स्पेस से वाई सी वी सी आर कलर स्पेस तक कन्वर्शन होता है एक इमेज का। तो उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, 18:8 ब्लॉक्स ऑफ पिक्सल होता है ना। इसके बाद क्या होता है, डीसीडी। इसके बाद क्या होता है, क्वांटाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, एंट्रोपी इनकोडर। एंट्रोपी इनकोडर मतलब जो लॉसलेस एनकोडिंग की स्टेप है वो। इसके बाद क्या आ जाता है, कंप्रेस डेटा। फाइनली कंप्रेस डेटा हो जाता है, कंप्रेस डेटा। ओके, अगर मैं कंप्रेस डेटा से ओरिजिनल डेटा पर वापस आना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस डेटा से अगर मैं ओरिजिनल डेटा में वापस आना चाहती हूँ तो उसमें से क्या होगा, कंप्रेस डेटा। कंप्रेस डेटा के बाद क्या एक यहाँ पर स्टेप है, एंट्रोपी इनकोडर आएगा, ठीक है। फिर क्या है, क्वांटाइजेशन। यहाँ पर क्वांटाइजेशन इनवर्स आएगा क्योंकि हम यहाँ पर वापस आ रहा है, रीवर्क कर रहे हैं इसीलिए। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आई, यहाँ पर डी सी डी है। मैंने आपको क्या बोला, रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर आई डी सी टी मतलब इनवर्स डिस्क्रीट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो 18:8 ब्लॉक्स ऑफ पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो मेरा आएगा वो फाइनली जो ओरिजिनल इमेज था उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो ये रहा मेरी जेपेग एल्गोरिदम की ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है तो उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच।